Basically, in previous part, we finished that part where we studied effect of change in temperature on resistance of कंडक्टर, राइट. सो अभी जो हम लोगों को पढ़ना है दैट इज इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट. उसमें हम लोग गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे. आई वुडन्ट से पढ़ेंगे, बस हम लोग एक्चुअली जो वर्किंग है गैल्वेनोमीटर का एंड कंस्ट्रक्शन वर्किंग द डिटेल्स गैल्वेनोमीटर, वो एक्चुअली आपका माइड इफेक्ट ऑफ करेंट चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे वहां पर आएगा, ठीक है. उसमें भी काफी एंड में आते हैं. अभी जो हमें पढ़ना है दैट इज इलेक्ट्रिकल सर्किट में व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग गैल्वेनोमीटर एंड क्या क्राइटेरिया है, क्या कंडीशन है ना, किस लिमिट के अंदर हम लोग गैल्वेनोमीटर यूज कर सकते हैं. एंड यूजिंग गैल्वेनोमीटर हम लोग इसको डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, फॉर एग्जाम्पल वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर एमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. सो दैट इज वॉट वी नीड टू फिगर आउट. सो बेसिकली इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस पार्ट में वी नीड टू फिगर आउट कि गैल्वेनोमीटर का क्या रोल है एंड डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में कन्वर्ट करने पे क्या पॉसिबल चेंजेस हैं और किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विथ ऑब्वियसली गैल्वेनोमीटर. सो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ने आ रहे हैं हम लोग. सो वी हैव गैल्वेनोमीटर हियर. सो लाइक आई सेड अर्लियर, है ना, कंस्ट्रक्शन में नहीं जाएंगे हम लोग, वॉकिंग पे नहीं जाएंगे. वी जस्ट एक्सप्लेन कि सर्किट में इसको यूज क्यों करते हैं, ठीक है. फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं एक रफ डायग्राम ड्रॉ करूं, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग. तो आप इसमें ऐसे सोच सकते हो कि बेसिकली आप करंट फ्लो कराते हैं थ्रू गैल्वेनोमीटर एंड गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट फ्लो है इट्स इजी टू राइट आई जी लिख सकते हैं, राइट. सो इट्स बिट इजी. सो आई जी इज बेसिकली करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, ठीक है. और ये आपका गैल्वेनोमीटर, मे बी मैं ऐसे बड़ा सा सर्कल, दिस इज योर गैल्वेनोमीटर. तो गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, डिपेंडिंग ऑन करंट वैल्यू, मान लो उसमें एक एरो लगा हुआ है, ठीक है, एक निडल लगा हुआ है. तो जितना बड़ा आपका करंट का वैल्यू आएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग गैल्वेनोमीटर का निडल क्या है. वैसे ये सब जमाना पुराना हो चुका है, ये सब पुराने जमाने की कहानी, बट स्टिल. तो आप जितना बड़ा करंट फ्लो कराओगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या, आपका निडल उतना एंगल पर रोटेट करेगा, दैट्स इट. दैट इज द सिंपल फंक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है. सो अगर 1 एम्पियर करंट है तो मे बी 5 डिग्री रोटेट होता है, 3 एम्पियर करंट है तो 15 डिग्री रोटेट होगा. जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल एंड वट एवर आई हैव गिवन एंड वट एवर आई हैव ड्रॉन इज मोर और लेस रॉन्ग, ठीक है. बढ़िया. द बेसिक फंडा इज करंट आप गैल्वेनोमीटर से पास कराएंगे, गैल्वेनोमीटर में निडल होगा, निडल रोटेट करेगा ना आपको बताएगा कि रीडिंग क्या है ना. बट अभी का गैल्वेनोमीटर इज वेरी डिफरेंट. सो और आपको डिजिटल डिजिटल रीडिंग मिलता है. सो करेंट सिचुएशन इज वेरी डिफरेंट, बट या द बेसिक अंडरलाइंग प्रिंसिपल इज रिमेन सेम, ठीक है. तो इसमें ध्यान क्या रखना है हम लोगों को, किस चीज का और सर्किट में यूज करने पर इसका क्या फर्क पड़ा है, उसको समझने की कोशिश करना, ठीक. द फर्स्ट पॉइंट आई एम गोइंग टू राइट इज गैल्वेनोमीटर क्या है, करंट मेजरमेंट के लिए करने के लिए बनाया है, ठीक है. जहां कहीं भी जिस किसी भी वायर में आपको करंट फ्लो हो रहा है, जैसे आप एक ड्रेन इमेजिन कर लो, तो ड्रेन में क्या आपका वाटर फ्लो हो रहा है और आपको वाटर फ्लो में आपने एक छोटा सा मशीन मशीन बनाया, एक मान लो छोटा सा एक मे बी 10 सेंटीमीटर क्यूब का आपने एक बॉक्स टाइप का एक मशीन बनाया और आप क्या करेंगे उस ड्रेन के अंदर उस नाले के अंदर वो मशीन को डालोगे, तो करंट क्या होगा, मशीन के थ्रू फ्लो होगा. तो मशीन विल बी एबल टू टेल यू कि कितना फास्ट करंट, मेरा मतलब वाटर करंट. सो कितना फास्ट आपका वाटर फ्लो हो रहा है, इट कैन गिव यू सम रीडिंग, राइट. इन अ सिमिलर वे जैसे आपका बाइक बाइक का स्पीड बताने वाला जो होता है स्पीडोमीटर, आई फॉरगॉट द नेम, पता नहीं स्पीडोमीटर या कुछ और नाम होता है. तो उसमें क्या होता है कि आपका कितना फास्ट व्हील रोटेट करा, व्हील से क्या आप उसको अटैच कर देते हैं. तो व्हील के रोटेट होने से क्या उसमें जो मशीन लगा हुआ है, जो भी डिजाइन बना हुआ है, वो भी रोटेट होता है एंड इट टेल्स यू कि आपका बाय यूजिंग सम कैलकुलेशन टेल्स यू कि आपका बाइक प्रॉब्ली कितना फास्ट चल रहा है, राइट. सो द फंक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इज टू बेसिकली डिटेक्ट एंड मेजर, दोनों काम करेंगे ना, डिटेक्शन के लिए भी यूज होगा, मेजरमेंट के लिए भी यूज होगा. आप पता भी कर सकते हैं कि करंट एक्चुअली है या नहीं है, बिकॉज मेनी टाइम्स वी जस्ट वॉन्ट टू नो को करंट है या नहीं, राइट. एंड काफी बार होगा यू वुड लाइक टू नो द एग्जैक्ट वैल्यू कि करंट कितना है, ठीक है. सो बोथ थिंग्स आर डिफरेंट, करंट है या नहीं एंड अगर है तो कितना है ना, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. सो डिटेक्शन एंड मेजरमेंट दोनों के लिए हम लोग इसको यूज करेंगे. बट ऐसा नहीं है कि 1 एम्पियर का करंट फ्लो है आपने गैल्वेनोमीटर डाल दिया, वो गैल्वेनोमीटर उड़ जाएगा, उसका कहानी खत्म हो जाएगा ना, सो दी एंड हो जाएगा वहीं पर. 5 एम्पियर करंट फ्लो है आपने गैल्वेनोमीटर डाल दिया बीच में, वो पक्का उड़ जाएगा, ठीक है. सो गैल्वेनोमीटर जो है वेरी वेरी स्मॉल करंट मेजरमेंट कर रहा है. कितना स्मॉल मेजरमेंट करंट करता है, वेरी स्मॉल, लेट मी जस्ट राइट इट. सो इट इज बेसिकली अ डिवाइस
used for the detection and measurement of small currents. कितना स्मॉल? तो माइक्रो एम्पियर है. और माइक्रो एम्पियर इज वेरी स्मॉल करंट. मतलब माइक्रो एम्पियर इज लाइक 10^-6 एम्पियर की बात करें, मतलब स्टार्ट टू अंडरस्टैंड 10 मिलियन का कंपैरिजन फैक्टर का डिफरेंस है ना. सो यू कैन नॉट, इट्स नॉट लाइक कि आपके घर में 1 एम्पियर करंट फ्लो और आपने गैल्वेनोमीटर डाल दिया, वैसे नहीं होगा ना. फिर गैल्वेनोमीटर आपका खराब हो जाए. सो वी कांट यूज लाइक दैट. वो पूरा वो गैल्वेनोमीटर पक्का खराब हो जाए 100%. ठीक, माइक्रो एम्पियर है ना, काफी छोटा करंट आप एक्चुअली मेजर करेंगे. एंड यही रीजन है कि हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर क्योंकि बहुत छोटा करंट मेजरमेंट करते हैं, हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं एमीटर में या फिर वोल्ट मीटर में, डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट कि हमें बड़ा करंट मेजरमेंट करना है या फिर हमें पोटेंशियल ड्रॉप वोल्टेज डिफरेंस में मेजरमेंट करना है. ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट थिंग यू शुड अंडरस्टैंड कि हम लोग काफी छोटा, बहुत छोटा करंट मेजरमेंट करेंगे तो गैल्वेनोमीटर डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट यूज करने पर गैल्वेनोमीटर 100% खराब हो जाए. ठीक है, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा उसमें, वो उल्टा पुल्टा रीडिंग आपको देने लगेगा, कुछ ना कुछ रैंडम रीडिंग देगा, आपको लग रहा होगा कि ये सही है, सब गलत रहेगा. ठीक है, सो कीप दैट इन माइंड. सेकंड पॉइंट इज द बेसिक फंक्शन है ना. सो इट बेसिकली इट कंसिस्ट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट. काफी डिटेल में पढ़ेंगे हमने कंस्ट्रक्शन वर्किंग 3D में, सब इमेज वगैरह देख के पढ़ेंगे, अभी नहीं, अभी उस काम करेंगे. इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल विच रोटेट्स when current is passed through it. ठीक है, और obviously like I said earlier, कोई भी object, कोई भी design होगा है ना, conducting material का बना हुआ है, but real life scenario है ना, तो कुछ ना कुछ उसका resistance रहेगा ना. आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि सर इसका resistance zero होगा, मतलब it's very extremely difficult to have a conductor which has zero resistance or normal room temperature पे, तो मतलब kind of सपना ही हो जाएगा लोगों का. तो साइंटिस्ट लोगों का तो अभी तक सपना ही है कि रूम टेम्परेचर पे आपको सुपर कंडक्टर जैसे कुछ मिल जाए जिसमें रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं हो, जीरो. सो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा. अब आपके ऊपर आप कैसे भी लिख सकते हैं, सो लेट मी राइट इट एज जी. सो कैपिटल जी का मतलब हो गया बेसिकली गैल्वेनोमीटर का कुछ रेजिस्टेंस है, एंड दैट वैल्यू इज कैपिटल जी. तो हम लोग कैपिटल जी इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड आई जी इज करेंट थ्रू गैल्वेनोमीटर ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, सो आई होप यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. सो लेट मी राइट हियर ऑल्सो. सो विल राइट कैपिटल जी इज बेसिकली resistance of galvanometer. ठीक है, एंड सेकेंड पॉइंट जो मैंने लिखा उसका बेसिकली मीनिंग ये भी हुआ कि आप ऐसे फॉर्मूला लिख सकते हैं कि जो करंट फ्लो हो रहा है ना, मे बी वी कैन राइट इट एज आई जी. तो जो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर फ्लो हो रहा है, इट डिपेंड्स ऑन एंगल थीटा. जैसे मान लो ये रोटेट होकर, मान लो ऐसे एंगल थीटा कवर कर रहा है, सो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो जितना बड़ा करंट होगा उतना एंगल वो रोटेट करेगा. सो लेट्स से मैं आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल. सो लेट्स से 1 माइक्रो एम्पियर करंट है और 1 डिग्री या फिर 1 रेडियन. मैं जस्ट गिविंग एग्जांपल, कैन बी रॉन्ग है ना, देयर आर गुड चांस इट विल बी रॉन्ग. ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत छोटे कंपेयर के मेजरमेंट करंट मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं. सो लेट्स से 1 माइक्रो एम्पियर करंट आपने फ्लो कराया है, 1 रेडियन से आपका निडल रोटेट करता है. तो अगर आप 2 माइक्रो एम्पियर अगर करंट फ्लो कराएंगे तो 2 रेडियन से रोटेट करेगा निडल. ठीक है, सो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा. सो अगर थीटा कितना है आप अगर वो मेजर कर सकते हैं, अच्छा 5 डिग्री है 1 माइक्रो एम्पियर, 10 डिग्री है 2 माइक्रो एम्पियर, इस तरह से आप क्या उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, सो इट्स वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच. नाउ व्हाट इज आईजी है ना, आईजी का जो नाम है दैट इज It is called full scale deflection current. ठीक है, now let me clarify again. So generally क्या होगा, जब हम लोग problem solve करेंगे तो current through galvanometer को will write IG. ठीक है, that doesn't mean कि IG जो है वो current का actually value है जो galvanometer के through पार हो रहा है. क्या होता है, क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे आपको गैल्वेनोमीटर की लिमिट दी होती है, गैल्वेनोमीटर 1 माइक्रो एम्पियर करंट झेल सकता है, उससे ज्यादा वो झेल ही नहीं सकता. तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आईजी को विल राइट 1 माइक्रो एम्पियर. तो उसमें आईजी का मीनिंग क्या हो जाएगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट. फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट मतलब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो नीडल ले सकता है, डिपेंडिंग ऑन डिजाइन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो नीडल ले सकता है वो करंट वैल्यू क्या. मान लो 5 माइक्रो एम्पियर पे आपका नीडल एकदम राइट मोस्ट एंड पे हिट कर जाता है,
तो उससे आगे का करंट अगर आप देंगे तो गैल्वेनोमीटर बर्न हो जाएगा, खराब हो जाएगा, पावर डिफॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन वो आपको रिजल्ट करेक्ट नहीं बताएगा, ठीक है। सो आईजी का यू कैन थिंक ऑफ इन टू डिफरेंट वेज। आईजी इज बेसिकली करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, आप ऐसे भी सोच सकते हैं डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि आईजी इज बेसिकली मैक्सिमम करंट जो गैल्वेनोमीटर झेल सकता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड फुल स्केल डिफ्लेक्शन। मतलब जितना डिफ्लेक्ट हो रहा है, एंगल थीटा आपको रोटेट कर रहा है, सो फुल स्केल डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम जितना भी डिफ्लेक्शन हो सकता है उससे ज्यादा डिफ्लेक्शन नहीं होगा इस पर्टिकुलर करंट वैल्यू के लिए। सो आईजी अगर आपने करंट फ्लो करा, मान लो 5 माइक्रो एम्पेयर है किसी गैल्वेनोमीटर के लिए, तो 5 माइक्रो एम्पेयर आप करंट फ्लो कराओगे तो मैक्सिमम एंगल उस गैल्वेनोमीटर में निडल आपका रोटेट करेगा, ठीक है। उससे बड़ा करंट अगर आप फ्लो कर देंगे तो फिर तो क्या है, आप गैल्वेनोमीटर को प्रॉब्ली डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। सिंबल जो है सर्किट में, क्योंकि ऑब्वियसली इतना निडल एरो ये सब हम लोग इतना नहीं बनाएंगे, तो सर्किट में इसका सिंबल बहुत सिंपल होता है। ऑल यू नीड टू डू इज बेसिकली राइट इट लाइक दिस, आप कैपिटल जी ऐसे डाल दो तो लोग समझ जाएंगे कि ये गैल्वेनोमीटर। आप एक सर्कल बनाएं, बीच में कैपिटल जी डाल दो, सो पीपल अंडरस्टैंड ये आपका गैल्वेनोमीटर सर्किट में किसी पार्ट में कनेक्टेड है, ठीक है। सो जो वायर है, जैसे मान लो इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो इस करंट में अगर आपने जी सर्कल डाल के एक जी बना दिया, कैपिटल जी लिख दिया, विच मीन्स उस वायर में आपने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया। सो उस वायर के थ्रू करंट जो फ्लो होगा वो गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट फ्लो होगा। एंड अगर गैल्वेनोमीटर के रेंज के लिमिट के उसके मतलब जो उसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वैल्यू उसके अंदर है, तो इट विल टेल यू द रिजल्ट कि कितना करंट एक्चुअली फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसको नोट कर लो, इट्स फास्ट। ओके ग्रेट, सो आई थिंक एवरीवन हैज नोटेड। सो पूरी कहानी का सार उसमें ये था कि बेसिकली गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट वैल्यू है बहुत ही छोटा होना चाहिए, माइक्रो एम्पेयर के रेंज में होना चाहिए, अदरवाइज उसको मेजरमेंट करना खतरे से खाली नहीं, आपका गैल्वेनोमीटर खराब हो जाएगा, फिर पूरी कहानी अधूरी हो जाएगी ना। एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली, बिकॉज गैल्वेनोमीटर से आप बहुत बड़ा करंट मेजरमेंट नहीं कर सकते, तो हम लोग गैल्वेनोमीटर को कंबाइन करके एक डिफरेंट यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करता है, दैट इज कॉल्ड एमीटर। Okay, so let's try to understand why are we designing
एमीटर, है ना, गैल्वेनोमीटर को यूज करके हम लोग एमीटर कैसे बना रहे हैं। पहले तो इसका कंस्ट्रक्शन समझते हैं सर्किट वाइज कि एमीटर बनाते कैसे, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड कि एमीटर हम लोगों ने बनाया क्यों। कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है, आप क्या करोगे, एक गैल्वेनोमीटर लोगे, सो दिस इज योर गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ये मेन ब्रांच हो गया जिसमें एक्चुअली करंट फ्लो हो रहा है, एंड उसके पैरेलल में आपने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, दैट्स इट, ठीक है। पैरेलल में क्या किया आपने, एक रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर दी, रेजिस्टेंस का कुछ वैल्यू होगा, वी डोंट नो, सो लेट्स राइट इट एज स्मॉल आर, ठीक है, एंड ये जी क्या आपका गैल्वेनोमीटर है, उसके पैरेलल में आपने क्या लगाया, एक छोटा सा आपने रेजिस्टेंस लगाया, ठीक है, एंड ये पूरा जो डिजाइन है ना, लेट मी हाईलाइट विथ रेड कलर, ये जो पूरा डिजाइन है, ये पूरा पोर्शन जो है, ये हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग एमिटर बोलेंगे, ठीक है, दिस इज व्हाट वी विल कॉल इट एज एमिटर, ठीक है। नाउ ऐसा क्यों किया हम लोगों ने, लॉजिक क्या है उसके पीछे, तो लॉजिक ये कि हम लोगों का एम क्या है, कि जो करंट आ रहा है ना, लेट मी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जो करंट यहां पर आपको आ रहा है, इस तरह से जो करंट आ रहा है मेन सर्किट में, लेट्स से लेट मी राइट इट एज आई, है ना, तो हम लोग कर क्या रहे हैं, पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाकर करंट को दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, बहुत स्मार्टली ध्यान से देखो, बहुत ही स्मार्ट अप्रोच, मेन करंट कुछ आ रहा है, इट कैन बी वेरी बिग वैल्यू, राइट, मैं समझाने के लिए एक वैल्यू ले रहा हूं, लेट्स से 10 एम्पीयर, काफी बड़ा वैल्यू है 10 एम्पीयर, बट मैं फिर भी समझाने के लिए, लेट्स से 10 एम्पीयर का करंट आ रहा है, तो 10 एम्पीयर अगर मैं गैल्वेनोमीटर से डायरेक्ट पास कराऊंगा तो गैल्वेनोमीटर पक्का उड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, सो विल स्टॉप फंक्शन। हम लोग नहीं कर रहे, हम लोग वो नहीं कर रहे, हम लोग क्या करें, पैरेलल में एक रेजिस्टेंस हम लोगों ने कनेक्ट कर दिए, अब क्या हो गया, आपका करंट जो है दो पार्ट में ब्रेक हो गया, एक जो करंट का वैल्यू होगा वो तो गैल्वेनोमीटर से पास होगा, और जो रिमेनिंग करंट है विच इज आई माइनस आई जी, बच्चों ध्यान से देखना, बहुत सिंपल स्टेप है यहाँ पर बट बहुत क्रिटिकल, जो बचा हुआ करंट है वो स्मॉल आर से पास हो जाएगा। अब आपने नोटिस क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जिस रेजिस्टेंस का वैल्यू जितना छोटा होगा उससे उतना बड़ा करंट फ्लो होता है, सो इट मींस अगर मैं स्मॉल आर को काफी छोटा रेजिस्टेंस बनाऊं, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, मान लो गैल्वेनोमीटर 10 ओम का है, तो मैं स्मॉल आर को क्या करूंगा, 0.1 ओम का लगा दूंगा, तो मैं जितना छोटा रेजिस्टेंस में स्मॉल आर लगाऊंगा उतना बड़ा करंट क्या होगा, स्मॉल आर के थ्रू पास होगा, गैल्वेनोमीटर के थ्रू पास नहीं होगा, तो मेरा गैल्वेनोमीटर क्या लिमिट के अंदर करंट पास होगा, तो गैल्वेनोमीटर हमें कुछ रीडिंग दे पाएगा, राइट, गैल्वेनोमीटर खराब नहीं होगा, बट स्टिल मेन करंट क्या अपना 10 एम्पीयर है जो इनपुट में आ रहा था, बट हम लोगों ने स्मार्टली क्या किया, उसको दो ब्रांच में ब्रेक कर दिया, दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, और जो हेवी पार्ट है, जो बड़ा करंट का वैल्यू है, वो रेजिस्टेंस से पास करा दिया, बहुत ही स्मार्ट अप्रोच लिया, और जो छोटा सा करंट का वैल्यू का जो गैल्वेनोमीटर एक्चुअली झेल सकता है वो गैल्वेनोमीटर के थ्रू हमने पास करा दिया, ठीक है। इसके मैथमेटिकल पार्ट पे बाद में आते हैं, बट यू अंडरस्टूड द लॉजिक, अब इसमें पॉइंट्स लिख रहे थे पहले, तो यूज बेसिकली क्या कर रहे हैं हम लोग, गैल्वेनोमीटर यूज कर रहे हैं मेजरमेंट करने के लिए, लेकिन नाम क्या दिया हम लोग इंस्ट्रूमेंट को, एमीटर। बनाया कैसे एमीटर, सिंपल, गैल्वेनोमीटर में पैरेलल में एक छोटा सा रेजिस्टेंस आप कनेक्ट कर दो, जितना छोटा रेजिस्टेंस होगा उतना इफेक्टिव आपका एमीटर होगा, उतना गैल्वेनोमीटर के खराब होने के चांसेस कम है, ठीक है। सो इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड, अगेन दोनों चीजों के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, फॉर द डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ लार्ज करेंट्स, है ना, गैल्वेनोमीटर के बस की बात तो नहीं थी, लेकिन यहां पर हम लोग लार्ज करेंट्स से डील कर सकते हैं, बट स्टिल मिली एम्पियर, फॉर एग्जाम्पल मिली एम्पियर में करेंट हो अगर आप, तो आप मेजरमेंट कर सकते हैं, या फिर एम्पियर में करंट ऑफ मेजरमेंट 1 एम्पीयर 2 एम्पीयर, इस तरह से आप करंट मेजरमेंट कर सकते हैं। ऑब्वियसली देखो हर डिजाइन का एक लिमिट होता है, बट जो भी लिमिट है गैल्वेनोमीटर से तो काफी बड़ा, फ्लोइंग इन अ सर्किट, ओके। और कंस्ट्रक्शन में किया क्या हम लोगों ने, मतलब गैल्वेनोमीटर और एमीटर में डिफरेंस क्या है, कोई डिफरेंस नहीं, द ओनली थिंग वी डिड was to add a resistance. आपने एक सिंपल सा resistance add कर दिया और आपने instrument का नाम change कर दिया. You started calling it ammeter. So it basically consists of a small resistance. A small लिखना जरूरी,
कि आप छोटा रेजिस्टेंस रखोगे तभी क्या होगा, मेजोरिटी करंट क्या होगा, रेजिस्टेंस से पास होगा, गैल्वेनोमीटर आपका सेफ सेफ रेंज में काम करो। कनेक्टेड इन पैरेलल विथ गैल्वेनोमीटर। एंड ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो क्या है आपका लिमिट तो हो गई करंट का, है ना, मतलब ठीक है आपने एमिटर बना दिया, है ना। जरूरी नहीं कि आप इसको इस तरह से दिखाएं, आपको ये पूरा सर्किट बनाने की जरूरत नहीं है, तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। आप सिंबल के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो आपको सिर्फ ये बनना, आपको क्या करना है ऐसे सर्कल ड्रॉ करना है, उसमें कैपिटल लिख देना, सो इट सिंपली मीन्स एमिटर। अगर आपको समझना है कि इसके अंदर क्या है तो फिर ये डायग्राम देखना है जो येलो वाला डायग्राम बना है, तो उस कैपिटल ए जहां पर मैंने सर्कल मार्क करके रखा है वो लिखने का मतलब ये कि हमारे पास उसके अंदर एक गैल्वेनोमीटर है और उसके पैरेलल में हमारे पास एक छोटा सा रेजिस्टेंस वैल्यू है, ठीक है। और ऑब्वियसली इसका कुछ लिमिट होगा, है ना, एमिटर आपने एक डिजाइन किया सिस्टम तो उसका कुछ लिमिट होता है, हर सिस्टम का कुछ लिमिट होता है, तो जो भी मैक्सिमम करंट फ्लो हो सकता है ना, तो लेट मी राइट इट एज आई मैक्स। तो व्हाट इज आई मैक्स, तो आई मैक्स हो गया आपका मैक्सिमम वैल्यू जो आप एमिटर में इनपुट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब 10 एम्पियर के लिए आपने एमिटर बनाया और आप उसमें जबरदस्ती 100 एम्पियर क्रॉस कर रहे हो, तो फिर तो ठीक है काफी हाई वैल्यू मेजरमेंट हो रहा है, लेकिन 100 एम्पियर आप पास कराएंगे तो स्टिल खराब होगा ना, चीजें खराब होगी क्योंकि आप लिमिट के बहुत आगे निकल चुके हैं, ठीक है। सो आई मैक्स इज रेंज ऑफ एमिटर, मतलब इससे बड़ा करंट मेजरमेंट क्या एमिटर नहीं कर पाएगा। सो हर वो डिपेंड करता है आपने एमिटर कैसे डिजाइन किया, सो हर एमिटर का एक रेंज रहेगा, है ना, कि 5 एम्पीयर तक मेजरमेंट मैक्सिमम हो सकता है, 3 एम्पीयर तक हो सकता है, 1 एम्पीयर तक हो सकता है, 500 मिली एम्पीयर तक हो सकता है, 2 मिली एम्पीयर तक, डिपेंड्स कि आपने कैसे डिजाइन किया, कैन बी एनीथिंग। ठीक है, इसको नोट करो फास्ट। किसी को यहां तक कोई डाउट है तो लेट मी नो। ओके किस नोट कर ले, चैट पे रिप्लाई कर दो। ओके सो आई एम अज्यूमिंग सबने नोट कर लिया ना, लेट्स जंप टू नेक्स्ट पेज। पैपडिस की बात करते हैं, ऑब्वियसली किसी के भी मन में क्वेश्चन आएगा कि सर आपने जो सर्किट में करंट था वो करंट तो आपने गैल्वेनोमीटर से फ्लो नहीं, हमें रीडिंग कौन दे रहा है, गैल्वेनोमीटर दे रहे हैं, क्योंकि मशीन तो एक्चुअल में वही है, आपने पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया तो वहां तो रीडिंग कुछ मिलेगा नहीं। तो एनीवन कैन आस्क, है ना, ये फीलिंग किसी में भी आएगा कि सर आपने जो करंट फ्लो कराया है वो करंट तो फ्लो हो रहा है थ्रू गैल्वेनोमीटर, सिर्फ एक स्मॉल पार्ट रिमेनिंग करंट तो रेजिस्टेंस से फ्लो हो रहा है, तो गैल्वेनोमीटर तो वो बताएगा जो गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, मेन सर्किट का करंट कैसे पता चलेगा।
ये क्वेश्चन। सो ये एमीटर बनाया हम लोगों ने, कैसे मीटर बनाते हैं, पैरेलल में एक छोटा सा रेजिस्टेंस आपको कनेक्ट कर देना, लेट्स राइट इट एज स्मॉल आर। क्वेश्चन इज करंट सर्किट में क्या आ रहा है, आई मैक्स, ठीक है, या फिर सिंपली आई भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट क्या जा रहा है, लेट्स राइट इट एज आई जी, ठीक है, और रिमेनिंग करंट जो बचेगा ऑब्वियसली वो कहां जाएगा, आई मैक्स माइनस आई जी, ये रिमेनिंग करंट क्या होगा आपका, रेजिस्टेंस के थ्रू पास होगा। तो कोई भी किसी भी मन में क्वेश्चन आएगा कि जो करंट में फ्लो करा रहा हूं तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू छोटा सा ही करंट फ्लो हो रहा है, तो गैल्वेनोमीटर वो रीडिंग बताएगा जो उसके थ्रू करंट फ्लो होगा, ऊपर वाला कितना करंट फ्लो वो कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। तो हम लोग गैल्वेनोमीटर नहीं यूज कर रहे, हम लोग गैल्वेनोमीटर सिर्फ गैल्वेनोमीटर की रीडिंग के लिए यूज कर रहे, और उस रीडिंग के बाद क्या हम लोग मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे, और मैथमेटिक्स क्या है, ऑब्वियसली मैथमेटिक्स के सबसे यूज किया करें। सो मैथमेटिक्स क्या है, वेरी सिंपल approach, and that is the basic funda of physics, point A or point B k across upar ka resistance which is small r, niche galvanometer jiska resistance ko hum log capital G bolne wale, right, kuch log RG bhi likh sakte hain, depend karta hai na, isse fark nahi padta hai. To yahan par basically kya ho raha hai ki dono parallel mein connected hai, which means agar aap resistance ke through jate ho, है ना, right? Resistance के थ्रू क्या करंट लेकर जा रहे हैं, आई मैक्स माइनस आई जी। अगर आप resistance के थ्रू जाओगे तो फिर क्या मिलेगा आपको वैल्यू, वहां पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा, उतना ही आना चाहिए जितना नीचे से जाने पर आना चाहिए, एंड दैट इज द बेसिक फंडा। तो आप क्या लिखोगे कि जैसे मैं ऊपर से जाता हूँ, राइट, लेट मी राइट इट एज वी ए बी इक्वल्स टू वी ए बी, ठीक है, मैं ऊपर से जाऊं या फिर नीचे से जाऊं, ए से बी पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो क्वेश्चन की अगर मैं ऊपर से जाता हूं तो मेरा पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा, तो जितना करंट है उसको मुझे मल्टीप्लाई करना है रेजिस्टेंस से, इतना पोटेंशियल का डिफरेंस आता है, और नीचे जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस वैल्यू क्या है, कैपिटल जी। तो नीचे अगर मैं जाता हूं तो मेरा पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा, ये वैल्यू आ जाएगा, राइट। अब यहां पे आप देखो हमें क्या इंटरेस्ट है, क्या फाइंड क्या करना है, आई मैक्स फाइंड करना, वी नीड टू फिगर आउट कि सर्किट में, बिकॉज हम लोगों ने ऐसे दिखाया है, लेकिन सर्किट में कैसे दिखेगा, ये सिर्फ ऐसा दिखेगा, राइट। तो ऑल वी नीड टू फिगर आउट कि मैक्सिमम करंट क्या फ्लो हम लोग करा सकते हैं एमीटर के थ्रू, या फिर आप ऐसे बोलो कि एमीटर के थ्रू करंट क्या फ्लो है, वी नीड टू फिगर आउट आई मैक्स चाहिए हमें, आई जी नीचे, आई जी तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर बता देगा कि 5 mA करंट फ्लो है। तो यहां से देखो आई मैक्स का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, सिंपल मैथ यूज कर सकते हैं, सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, आर को आप लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, एंड आप उसको फिर आर से डिवाइड कर दो, तो यहां से आई मैक्स का वैल्यू आ जाएगा आपका, गड़बड़ कर दिएगा, रॉन्ग वैल्यू स्टिल है, लेट मी करेक्ट इट फर्स्ट, ये वैल्यू हो जाएगा आपका 5 mA, डिपेंड करता है कि आपको क्या फाइंड करना है। सो लेट्स से अगर किसी को आई मैक्स फाइंड करना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, किसी को चलो अलग अलग लिख देते हैं, सो लेट्स से अगर आपको आई मैक्स फाइंड करना है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि आई मैक्स का वैल्यू इतना हो जाएगा, ठीक है। किसी ने ये बोला कि डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, राइट, सो समबडी माइट आस्क यू कि आर का वैल्यू ना, स्मॉल आर का वैल्यू क्या होना चाहिए कि हमारे पास जो एमीटर है वो पर्टिकुलर रेंज का बनेगा। तो बेसिकली कभी आपको स्मॉल आर भी निकालने के लिए आ सकता है, राइट। तो अगर आपको स्मॉल आर कैलकुलेट करना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, यहां से आप ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। एक तो ये मैंने ये तरीका हो गया लिखने का, आई मैक्स का निकालना है, तो अगर आप स्मॉल आर कैलकुलेट करना है तो आप राइट वाला स्मॉल आर टर्म लेफ्ट में लेकर आ जाओ, and you will be able to write then small r ka value as this expression, theek hai, wo depend karta hai kaise likhna hai, kis jo values given hai jo nahi given hoga hum log yahan se find kar sakte hain। to yahan par main kya karta hu, jo main suggest karta hu sare bachcho ko hamesha, that is aap ye funda yaad rakho na, fundamental yaad rakho, ye basic cheeze aap yaad rakho, yahan par yaad rakho, yahan se ye formula yaad rahega, i mean ye logic yaad rahega, to kya hoga, hum log immediately jo given hoga वो यूज करके जो नहीं गिवन है वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। वो हो सकता है पूछा हो किसी ने कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या है, कोई पूछ सकता है कि आपका पैरेलल में जो आपने छोटा सा रेजिस्टेंस लगाया उसका वैल्यू क्या है, कोई पूछ सकता है मैक्सिमम करंट क्या होगा, कोई पूछ सकता है करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर क्या होगा, इट कैन देयर कैन बी मेनी पॉसिबिलिटीज, राइट। तो बेसिक फंडामेंटल इज, बेसिक फंडा क्या है कि आप ऊपर से जाओ तो ऐसे भी पहुंचोगे, आप नीचे से जाओ तो भी आप ऐसे भी पहुंचोगे, सो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहना चाहिए, एंड दैट इज व्हाई वी आर राइटिंग दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। ऊपर में जो करंट है इनटू रेजिस्टेंस का वैल्यू विच विल गिव यू पोटेंशियल डिफरेंस, नीचे जो करंट है इनटू रेजिस्टेंस है विच इज आई जी इनटू कैपिटल जी, ये वैल्यू हमें क्या देना चाहिए, एक रिलेशन देना चाहिए जो हमेशा फॉलो होगा। तो ये रिलेशन क्या आपको
ये रिलेशन आपको याद रखना, आपको ये डायग्राम याद रखना है कि ऐसे डायग्राम बनाते और ये रिलेशन लिखते हैं, फिर जो भी वैल्यूज गिवन होगा वी कैन यूज इट. ठीक है, लेट मी ऐड कपल मोर पॉइंट्स, एक जनरल पॉइंट्स कुछ ऐड करता हूं मैं इस पे. कोई भी पूछ सकता है कि जो एमिटर है हमारा उसका रेजिस्टेंस क्या, राइट? सो एनीवन कैन आस्क रेजिस्टेंस ऑफ एमिटर. व्हाट इज एमिटर? वेट, रेजिस्टेंस ऑफ एमिटर, ये आपसे कोई भी पूछ सकते हैं. क्या है एमिटर? एमिटर बेसिकली पैरेलल कनेक्शन है किसका, रेजिस्टेंस स्मॉल आर का, एंड गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस इज कैपिटल जी. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करो और रेजिस्टेंस को ऐड करो ना, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में क्या देगा? रेजिस्टेंस ऑफ एमिटर देगा. तो अगर किसी ने पूछा कि रेजिस्टेंस ऑफ एमिटर क्या है, तो आप नॉर्मल पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाकर आप उसको यूज कर सकते हैं. ठीक है, ठीक है. सेकेंड पॉइंट इज आइडियल एमिटर. ऑब्वियसली अब आइडियल वर्ड लगा है तो आइडियल ढूंढना मुश्किल, राइट? दिस इज द रीजन वी राइट आइडियल. सो अगर आपके पास आइडियल एमिटर है, मतलब ऑब्वियसली नहीं रहेगा आपके पास, बट अगर आपको आइडियल एमिटर समझना है, आइडियल एमिटर डिजाइन करना है, तो इन केस ऑफ आइडियल एमिटर रेजिस्टेंस ऑफ एमिटर शुड बी जीरो. ठीक है, आपका एमिटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए अगर आप आइडियल एमिटर बना रहे हैं तो. नाउ क्वेश्चन इज एमिटर का रेजिस्टेंस जीरो कब होगा? एमिटर का रेजिस्टेंस आपका जीरो कब होगा? जब आप पैरेलल में क्या है, वेरी वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, यानी स्मॉल आर का वैल्यू जितना छोटा. यहाँ पे क्लियर दिख रहा है एक्सप्रेशन है, कैपिटल जी तो फिक्स है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस फिक्स है, तो स्मॉल आर पे डिपेंड करता है. तो स्मॉल आर जितना छोटा होगा उतना एमिटर का ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या आएगा, उतना छोटा आएगा. तो फॉर आइडियल केस ऑफ एमिटर आपका रेजिस्टेंस एमिटर का कितना होना चाहिए? जीरो है. ये बस थ्योरी है, आपको माइंड में याद रखना है, क्योंकि आइडियल एमिटर आपको कभी मिलेगा ही नहीं. ठीक है, बट कभी अगर क्वेश्चन में किसी ने मेंशन किया कि आइडियल एमिटर है, इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑफ एमिटर इज जीरो फॉर सम रीजन. ठीक है, एंड वन मोर पॉइंट इज, आप वो दिख रहा है सर्किट में ऑलरेडी, किसी भी ब्रांच में अगर आपको करंट फाइंड करना है तो आपको एमिटर को कैसे कनेक्ट करना है? सीरीज में, यानी ये जो वायर जा रहा है इसी में आपको कटिंग करना है, बीच में एमिटर फिट करना है, एंड ये सीरीज में क्या हो जाएगा आपका, आपका एमिटर उस वायर से कनेक्ट हो जाएगा. सो विल राइट, जैसे गैल्वेनोमीटर भी आप सीरीज में ही कनेक्ट करते हो अगर आपको करंट मेजरमेंट करना है बहुत छोटे तो. सो विल राइट, एमिटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विथ सॉकेट एलिमेंट. ठीक, जिस भी ब्रांच में आपको करंट फिगर आउट करना है आप उसमें सीरीज में कनेक्शन कर दें. ठीक है, लेकिन मैंने बोला आपको कि आइडियल एमिटर जैसा कुछ होगा, आइडियल एमिटर होगा तो क्या होगा, समझने कोशिश करो, क्या डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करो. जैसे मान लो एक ड्रेन, एक नाला है, उसमें पानी फ्लो है. ठीक है, तो आपने एक बॉक्स जैसा 10 सेंटीमीटर क्यूब का आपने एक बॉक्स बनाया और आप उसको नाले के अंदर रखोगे. ठीक है, तो वो आपको बताएगा कि वाटर कितना फास्ट फ्लो हो रहा है. लेकिन समझने की कोशिश करो कि अगर मैं एक बहते हुए नाले में वाटर जिसमें फ्लो कर रहा है उस ड्रेन में अगर मैं कुछ डालता हूं, जैसे मैंने हाथ डाल दिया या फिर मैंने बॉक्स डाल दिया, तो मेरे डालने से क्या होगा, रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, तो वाटर का फ्लो डिस्टर्ब होगा. जैसे मान लो पहले वाटर 100 मीटर पर सेकंड से फ्लो हो रहा था, तो अगर मैं बीच में कुछ डाल देता हूं, मैंने बॉक्स मेजरमेंट के लिए डाला, लेकिन वो डालने से वाटर के फ्लो को तो फर्क पड़ रहा है. अगर 100 मीटर पर सेकंड वाटर फ्लो कर रहा होगा, तो मे भी जैसे आप एमीटर डालोगे तो 99.9 मीटर पर सेकंड से फ्लो होगा. तो डिफरेंस इज वेरी स्मॉल. जितना अच्छा आपका, जितना अच्छा डिजाइन आपने किया होगा वो इंस्ट्रूमेंट स्पीड ऑफ वाटर मेजर करने के लिए, उतना एक्यूरेट रिजल्ट आएगा, लेकिन स्टिल एग्जैक्ट सेम नहीं आएगा, राइट, जितना एक्चुअली फ्लो हो रहा था. क्योंकि आइडियल तो आप कर नहीं सकते, है ना. अगर मैं एक फिंगर भी, अगर बहते हुए वाटर है ना, फ्लोइंग वाटर में अगर मैं एक फिंगर भी अगर मैं डुबाता हूँ, तो कुछ तो वेलोसिटी में फर्क आएगा, देयर विल बी सम रेजिस्टेंस बिकॉज आपने एक फिंगर आपने डाला, राइट. इट विल बी वेरी स्मॉल वैल्यू, बट स्टिल कुछ तो रहेगा ना, सो देयर विल बी सम डिफरेंस, राइट. क्योंकि आइडियल केस है नहीं ना, तो आइडियल एमिटर आपको मिलेगा नहीं. अगर आपने आइडियल एमिटर लिया है, तो फिर आपको उतना ही एमिटर रिजल्ट बताएगा करंट का, जितना एक्चुअली फ्लो हो रहा था सर्किट में एमिटर जब आपने नहीं डाला था तब. ठीक है, इट्स लाइक वाटर 100 मीटर पर सेकंड फ्लो हो रहा है. मैंने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किया जो मैं वाटर के अंदर डालूंगा, बट वाटर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वो इंस्ट्रूमेंट मुझे बताएगा कि वाटर 100 मीटर पर सेकंड फ्लो हो रहा है. दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप कुछ भी डिजाइन करेंगे वाटर में, जैसे ही आप डालोगे तो 100 मीटर पर सेकंड वाटर फ्लो ही नहीं होगा, कुछ ना कुछ डिक्रीज होगा, 99.9 होगा. तो आपका मीटर क्या बताएगा, 99.9. सो लेट मी राइट दिस, अ प्रैक्टिकल, यानी जनरल जो हम लोग यूज करेंगे, अ प्रैक्टिकल एमीटर
always reads a lesser value than the true value of current in socket. ठीक है, सो इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब आपने कोई मशीन कनेक्ट नहीं किया, नॉर्मल सर्किट काम कर रहा है, तो कुछ करंट फ्लो रहा है, जैसे 10 एम्पियर, तो आपने सोचा कि अच्छा मैं मेजर करके देखता हूँ। आपको कैसे पता चलेगा 10 एम्पियर? आपको मेजरमेंट करना पड़ेगा। जैसे मेजरमेंट करने के लिए आप एमीटर कनेक्ट करोगे, कितना भी अच्छा एमीटर आप लेकर आओ, 10 एम्पियर अब वो आंसर ही नहीं बताएगा, वो आपको बताएगा आंसर 9.999 एम्पियर। तो आपको लगेगा कि करंट 9.99 एम्पियर फ्लो रहा है, दैट इज नॉट करेंट, करंट उससे थोड़ा ज्यादा फ्लो रहा था, लेकिन क्योंकि आपने एमीटर लगा दिया और वो आइडियल नहीं है, तो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, और डिस्टर्बेंस क्रिएट होने की वजह से क्या है, करंट का आपका वैल्यू थोड़ा छोटा बता रहा है, यानी जो एमीटर बता रहा है वो थोड़ा छोटा वैल्यू, एक्चुअल करंट क्या है थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, लेकिन वो आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि आपको एमीटर लगाना है। जब तक एमीटर आप लगाओगे नहीं, करंट मेजर नहीं कर पाओगे, और आप जैसे ही लगाओगे वैसे ही वैल्यू मेजरमेंट का कम आ जाएगा, राइट? सो देयर इज नो वे दैट यू कैन यूज एमीटर टू फाइंड द ट्रू वैल्यू जो सर्किट में फ्लो रहा था, नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्यों? बिकॉज आइडियल एमीटर मिलेगा नहीं आपको, कैसे बनाओगे आइडियल एमीटर, नहीं बनेगा। सो ठीक है, दैट इज फाइन, 99.99 इज एज गुड एज 100, प्लस अज्यूम इट। सो दिस इज द पार्ट ऑफ एमीटर। ठीक है, सो एमीटर का जो एक बेसिक वर्किंग है वो हम लोग समझ चुके हैं कि कैसे काम करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्लास रहेगा उसमें हम लोग इस पे बेस्ट प्रॉब्लम्स देखेंगे, गैल्वेनोमीटर और एमीटर और इनके यूज केस अलग अलग डिफरेंट सिनेरियोज में, डिपेंडिंग ऑन क्या क्या वेरिएबल हमें गिवन है, क्या कैलकुलेट करना है, ऑल दैट। ठीक है, ठीक है, गेट्स, दैट्स इट फॉर टुडे।